तो कितने सेक्युलर हैं टीएस सिंहदेव? जी हां, आज यह प्रश्न विधानसभा चुनाव के समय क्यों उठ रहा है? इस प्रश्न के पीछे कारण यह है कि अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम माइनॉरिटी इस विधानसभा चुनाव में टीएस सिंहदेव का खुलकर विरोध कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम अकील है और मैं जागरूकता के साथ साथ आपको वो फैक्ट्स और तथ्य बताऊंगा चुनाव में जो आपको किसी मीडिया घराने में देखने या सुनने को नहीं मिलेगा। आज बात हो रही है टीएस सिंहदेव के सेक्युलरिज्म की कि वो कितने सेक्युलर हैं। टीएस सिंहदेव कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हैं और कांग्रेस पार्टी का विचारधारा है सेक्युलरिज्म। इसका उदाहरण है कि 2014 के बाद जहां भारत में हिंदुत्व को लेकर के भाजपा को काफी सफलता मिली और सत्ता में दो बार वो पूर्ण बहुमत से आई, उसके बाद से फ्रिंज एलिमेंट या यू कहें आईटी सेल और कुछ ऐसे लोग जो भाजपा में भी हैं और अलग संगठनों में हैं, वो मुस्लिम माइनॉरिटीज के विरुद्ध में बहुत नफरत भरे कंटेंट्स लाते हैं, नफरत भरे भाषण देते हैं और इसका मॉब लिंचिंग से लेकर के ये तमाम चीजें देखने सुनने को मिली है और बहुत हाशिए में आता हुआ प्रतीत होता है यह अल्पसंख्यक वर्ग। परंतु फिर भी छत्तीसगढ़ बहुत ही अच्छा जगह है। हमारे छत्तीसगढ़ में धर्म से परे राजनीति होती है। रमन सिंह भी 15 साल रहे तो कभी भी उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि ऐसा लगे कि हिंदू या मुस्लिम या क्रिश्चियन या कोई धर्म आधारित किसी के साथ भेदभाव हो। परंतु आज अंबिकापुर में जिस टीएस सिंहदेव को मुस्लिम मतदाता उनके कट्टर समर्थक माने जाते थे, और इस बात का सबसे बड़ा गवाह मैं खुद हूं। दरअसल मैं जो नए दर्शक होंगे उन्हें बता दूं कि मेरा जो घर है वहां से पास में ही स्थित है टीएस सिंहदेव का घर। मेरा मोहल्ला वहां से टीएस सिंहदेव जब वो वार्ड क्रमांक 20 हुआ करता था तो उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत अंबिकापुर में की थी। पार्षद का चुनाव कांग्रेस के विरुद्ध लड़के तब वे दो पत्ती छाप में यहां से चुनाव लड़े थे। अब आप समझिए कि उन्होंने सबसे सिक्योर सीट इसी वार्ड को जो पहले वार्ड क्रमांक 20 था वहां से लड़ना मंजूर किया। तो इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? तब से टीएस सिंहदेव इस वार्ड को अपना मानते हैं और इसके वार्डवासी उन्हें अपना मानते हैं। यहां तक कि 2008 के चुनाव में जब टीएस सिंहदेव की आलोचना विभिन्न भाषणों के द्वारा जब मैं करता था तो मुझे कहीं पर किसी शहर में और किसी वर्ग से कोई विरोध या किसी भी प्रकार का अप्रिय स्थिति का सामना करने को नहीं मिलता था, बल्कि इसी वार्ड के लोग यानी मुस्लिम मतदाता ही उनके बहुत खास हुआ करते थे। उन लोगों से ही कहीं ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती थी कि बड़ी अप्रिय स्थिति निर्मित हो जाती थी। तो कहने का अर्थ है कि आज वो लोग ही खुलकर विरोध कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से टीएस सिंहदेव को वर्तमान में भूपेश बघेल के प्रतिद्वंदी के रूप में माना जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में विपक्ष कहीं पर भी 5 साल नजर नहीं आया, भाजपा ने कभी भी विरोध नहीं किया। तो कांग्रेस के भीतर ही टीएस सिंहदेव को एक प्रकार से विपक्ष माना जाता है। आइए आप भूपेश बघेल की बात करें तो भूपेश बघेल कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के करीब दिखते हैं। अगर राहुल गांधी अदानी का विरोध करते हैं तो वो भी खुलकर अदानी का विरोध करते हैं। अगर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो पक्षपात करते हैं तो भूपेश बघेल भी वही लगाते हैं। उस भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर में एजाज ढेबर को रायपुर का महापौर बनाया। कद्दावर मंत्री मोहम्मद अकबर को उन्होंने मंत्रालय दिया और काफी वो खास है। तो इस लिहाज से अब अंबिकापुर में मुस्लिम मतदाता खुलकर यह बात कह रहे हैं कि आखिर टीएस सिंहदेव ने हमारे समुदाय के नेता को क्या दिया। बात तब गहराई जब भटगांव विधानसभा क्षेत्र में टीएस सिंहदेव के काफी करीबी रहे श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष शफी अहमद, जो उन्होंने बहुत तैयारी की और वहां पर उन्हें काफी प्रेम मिला। मतदाता उन्हें जिताना चाहते थे, काफी बढ़ चढ़ करके उनके साथ हो लिए। अब हार जीत तो अपनी बात है, अपनी जगह है, होता या नहीं होता, परंतु समर्थन उनका अच्छा खासा दिख रहा था। बावजूद इसके उनका टिकट काटना टीएस सिंहदेव को कहीं चुनाव महंगा ना पड़ जाए, क्योंकि मामला सिर्फ संख्या बल नहीं होता कि माइनॉरिटी कितनी संख्या में है और वो कितना वोट देंगे। मामला यह होता है
कि मुस्लिम समुदाय के जितने यंग लड़के हैं जो टीएस सिंहदेव के कार्यकर्ता कभी हुआ करते थे, उनका कहना है कि जब 2008 में पहली बार अंबिकापुर विधानसभा सीट से टीएस सिंहदेव चुनाव लड़ रहे थे तो मात्र 800 कुछ वोटों से ही वो चुनाव जीते थे। अगर सिर्फ इस वार्ड का, पूरी जगह के मुस्लिम मतदाताओं की बात तो ना करें, वो कहते सिर्फ इस वार्ड से 2000 लोगों ने वोट नहीं दिए होते एक तरफा, तो आज वो चुनाव ही नहीं जीतते। बदले में हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए अगर एक टिकट हम मांग रहे थे, हम क्या गलत कर रहे थे? टीएस सिंहदेव ने कथित तौर पर सिर्फ इसलिए टिकट काट दिया कि धर्म आधारित राजनीति हावी है और कहीं एक मुस्लिम को टिकट वो दे देंगे तो उसका चेन रिएक्शन होकर के अंबिकापुर विधानसभा में उन्हें ना नुकसान पहुंचाए। परंतु टीएस सिंहदेव को यह उल्टा नुकसान पहुंचाएगा, वो ऐसे नुकसान पहुंचाएगा कि उनके मेन कार्यकर्ता जो बड़े जोश के साथ बढ़कर आगे काम करते थे, वे ना केवल अब सुस्त हो गए हैं बल्कि सीधे खुले तौर पर विरोध कर रहे हैं। मुझे याद है 2008 के समय में जब टीएस सिंहदेव के प्रतिद्वंदी अनुराग सिंहदेव मोहल्ले में जब प्रचार करने आ रहे थे, इस मोहल्ले की बात कर रहा हूं जो मुस्लिम बहुल मोहल्ला है, तो उनके समर्थक अंदर घुसने में थोड़ा हिचक महसूस कर रहे थे। तब मैंने समझाया था कुछ लोगों को, आप वोट दे या ना दे, सभी को अधिकार है कि वो आए और अपना प्रचार किए। हालांकि लोगों ने बड़े समझदारी दिखाई और वो भी घुस करके अपना प्रचार किए, वोट मांगे। कितना वोट दिए नहीं दिए वो अलग बात है और ऐसा होना भी चाहिए, आप किसी को भी रोके नहीं। परंतु ये वही वार्ड है जहां से स्वर्गीय अजीत जोगी को काले झंडे दिखाए थे। किसने दिखाया था? टीएस सिंहदेव के कट्टर समर्थक ने, और उसकी जीप के आगे सो गए थे। इस तरह के समर्थक होना, कट्टर समर्थक होना, और अब उन्हीं लोग के द्वारा खुलकर विरोध करना, आप उस मोहल्ले जाएं तो भाजपा के प्रत्याशी राजेश अग्रवाल का बकायदा मुस्लिम युवा मंच ने फोटो लगा रखा है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसमें शफी अहमद का अभी तक कोई स्टैंड नहीं आया है और उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। अक्सर राजनीति में ऐसा होता भी है कि यदि आपका टिकट कट जाए तो एक होते हैं जो पार्टी छोड़कर निर्दलीय उतर जाते हैं चुनाव में या दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, जैसे चिंतामणि महाराज का आप लोग देखे। दूसरा यह होता है कि पार्टी के भीतर ही रहते हैं परंतु उस व्यक्ति को जीतने नहीं देते जिन्हें उनका टिकट काटकर नए व्यक्ति को टिकट दिया गया। इसका उदाहरण है रामानुजगंज, डॉक्टर अजय तिर्की को अंबिकापुर से ले जाकर के रामानुजगंज से टीएस सिंहदेव ने टिकट दिलाया है। अब बृहस्पति सिंह का टिकट सर्वे आधारित काटने की बात कही जा रही है कि वो हारने वाले थे, तो क्या बृहस्पति सिंह डॉक्टर अजय तिर्की को चुनाव जीतने देंगे? यदि वो जीतने देंगे तो ये होगा कि सर्वे सही था और बृहस्पति सिंह जो है कहीं ना कहीं कमतर नेता थे और पार्टी का डिसीजन सही था। अगर ये बात सिद्ध हो गया तो बृहस्पति सिंह की राजनीति खत्म हो जाएगी। अतः बृहस्पति सिंह कभी नहीं चाहेंगे कि डॉक्टर अजय तिर्की रामानुजगंज से चुनाव जीते। ठीक उसी प्रकार अंबिकापुर से शफी अहमद के मन में क्या है यह तो हम नहीं जानते, परंतु उनके कट्टर समर्थक किसी भी सूरत में मान मनोबल करने पर भी टस से मस नहीं हो रहे हैं और यह खतरे की घंटी है। शुक्रिया।